वेलकम बैक टू क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों। स्टेप नंबर सेकंड दैट मींस फर्स्ट एंड सेकंड दो स्टेप जो है कंप्लीट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी स्टेप जो है सेवेंथ स्टेप जो हमसे पूछा गया है। ठीक है बच्चों, दैट मींस ये दो स्टेप जो हैं हो रखे होंगे। नेक्स्ट स्टेप ये थर्ड भी एज इट इज़ है। ठीक है जी, यहाँ पे अब आपने देखना है कि होम के जस्ट बाद आपका 36 नेक्स्ट बड़े वाला नंबर आता है, सबसे बड़ा नंबर नहीं आता, तो ये स्टेप तो आपका आंसर नहीं होने वाला, तो आप इसको दो है कैंसिल आउट कर सकते हो। तो ये स्टेप रहेगा आपका फोर्थ वन। तो 36 नेक्स्ट देखना है मेरे पास जो है बच्चों, यहाँ पे 92 नहीं आएगा क्योंकि दो नंबर इकट्ठे नहीं आने चाहिए और मुझे चाहिए सेवेंथ स्टेप। तो ठीक है बच्चों, तो ये भी आंसर मेरा नहीं हो सकता, तो ये रहेगा फोर्थ, ये रहेगा फोर फिफ्थ स्टेप मेरा ये आ गया है। ठीक है जी, फोर को जब मैं आगे लेके आता हूँ तो क्या रहेगा मेरा फिफ्थ जो है स्टेप यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है जी, अब देखते हैं क्या क्या मेरा अरेंज हो चुका है। विन अरेंज हो चुका है, ट्वेल्थ अरेंज हो चुका है, होम जो है अरेंज हो चुका है, 36 जो है अरेंज हो चुका है, और मेरी फोर भी अरेंज हो चुका है। वेर इज फोर, तो देर इज फोर ऑल्सो। ठीक है बच्चों, फोर होम, दिस इज फोर, यहाँ पे फोर भी है, तो ये भी मेरा अरेंज यहाँ पे हो चुका है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं। अब नेक्स्ट बारी आती है बच्चों मेरे नंबर की, जो नेक्स्ट नंबर रहेगा, नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे नंबर रहने वाला था वो 81, तो जो है आगे आना चाहिए, 92 जो है बाद में आना जो है चाहिए, तो ये दो स्टेप मैं पहले ही कैंसिल कर चुका हूँ, तो यहाँ पे ये गड़बड़ है कि ये बाद में आएगा, ये जो है पहले आएगा, क्योंकि नंबर्स जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो ऑप्शन कहाँ पे चला जाता है, नन ऑफ दिस पे।